रहे हैं करेले और चने की दाल। इसके लिए कप चने की दाल को हमने बॉईल कर लिया है, चार प्याज लिए हैं, दो टमाटर, चार हरी मिर्ची इसको पीस लिया है हमने, आधा किलो करेले को छील के नमक हल्दी लगा के रखा था आधे घंटे के लिए। अब हम इसको एक चम्मच तेल में बॉईल कर रहे हैं, जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे फिर हम इसको मसाला भूनने हुए में डाल देंगे। गर्म हो गया तेल, कटे हुए प्याज डाल देंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज जब आधे फ्राई हो जाए तब हम अपना पेस्ट डाल देंगे टमाटर मिर्ची का, और एक चम्मच हम लहसुन अदरक का पानी डाल देंगे हमने, और अब हम अपना ये पेस्ट भी डाल देंगे हम मिर्ची टमाटर। दो मिनट भूनने के बाद हम अपने बेसन मसाले डालेंगे, नमक मिर्ची हल्दी और लाल मिर्ची और धनिया पाउडर। यहाँ प्याज हमने इतने ही फ्राई किए क्योंकि हमें इनकी अच्छी सी ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा हमने लाल किए नहीं हैं। और हमारे चने की दाल भी साथ में डाल देंगे, दोनों को अच्छे से गला लेंगे। फिर कसूरी मेथी, हरा धनिया और गरम मसाला डाल के इसको पराठे के साथ हम सर्व करेंगे। ये हमारी हल्दी दो चम्मच के जितना, धनिया पाउडर जितनी, मिर्ची दो चम्मच, धनिया एक चम्मच, मिर्ची आधा चम्मच, हल्दी। मसाला 10 मिनट भून जाए फिर हम चने की दाल डाल के थोड़ा और गला लेंगे। चने की दाल और करेले 1/3 इसमें गलाएंगे हम। रेडी हो गए हैं, हम धनिया भी डाल दिया है, अब हम गरम मसाला डाल देंगे। देखिए दाल भी गल गई है और हमारे करेले भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम पराठा लगाएंगे और उसके साथ सर्व करेंगे। थैंक यू।